उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आइए अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब में 20 फरवरी यानी अगले रविवार को वोटिंग होनी है और इस हिसाब से कल चुनाव प्रचार का आखिरी रविवार था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली के नेता पंजाब में रैली करते दिखाई दिए। चाहे वो अमित शाह हो, केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, चरणजीत सिंह चन्नी को जमकर खरी खोटी सुनाई, या अन्य पार्टी के नेता जो वार ऑफ पलटवार कर रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान आक्रामक और वादे आकर्षक होते जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी सियासी मार्केटिंग के जरिए वोटरों को मनाने की आखिरी कोशिश में जुटी हुई हैं। दिन संडे का था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मन की बात पहुंचाने के लिए दिल्ली के बड़े बड़े नेता पंजाब में दिखाई दिए। भले ही आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए राहत भरा दिन था, लेकिन नेताओं के निशाने पर वो टॉप पर रहे। तो आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? ये चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है, जरा तो संजीदगी से बात करो। और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। अवैध खनन मामले में सीएम चन्नी को मिली क्लीन चिट के बाद कांग्रेस बीजेपी पर और आक्रामक हो गई। आज पंजाब प्रचार में पहुंची प्रियंका गांधी ने चन्नी को मिली क्लीन चिट के जरिए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस शुरू से ही अवैध खनन मामले में सीएम चन्नी का नाम बीजेपी का एक षड्यंत्र बताकर प्रचार कर रही थी। चन्नी साहब के खिलाफ इतना बड़ा वार इसलिए हो रहा है क्योंकि सब जानते हैं, भाजपा की सरकार जो केंद्र में है वो भी जानती है कि चन्नी जी एक नई राजनीति को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए उन पर वार हो रहा है। पूरी तरह से एक राजनीतिक वार है। प्रियंका गांधी की सीएम चन्नी की सत्ता में वापसी के दावे में कितना दम है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव पर अपनी सियासी भविष्यवाणी से सबको चौंका दिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सीएम चन्नी की सियासी कुंडली जनता के सामने पेश की। चन्नी साहब दो सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, तीन बार सर्वे कराए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी के तर्कों और तथ्यों में कितना दम है, ये अगले महीने की 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज केजरीवाल को जवाब देने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने संभाला था। उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिमोट सरकार बताया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के सवाल कांग्रेस पर उठने लगे तो प्रियंका गांधी ने किस तरह जवाब दिया वो सुनिए। 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी, ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलनी लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई सांठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है, इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। पंजाब में वोटिंग में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसीलिए ज्यादातर पार्टियां अपने वादों और दावों से जनता का मूड बदलने की कोशिश में है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए मुफ्त बिजली वाला दांव चल चुकी है, जिसे आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही चल दिया था।
किसानों को मनाने के लिए बीजेपी कर्ज माफी का वायदा भी कर रही है, लेकिन किसानों के मन में क्या है ये 10 मार्च को सामने आएगा। ऐसे में बीजेपी पंजाब चुनाव में पीएम की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। चन्नी साहब, आप ख्वाब देख रहे हैं फिर से सरकार बनाने का? अरे लुधियाना वालों, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आए उसका रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलिए, रख सकता है क्या? किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट्स के चलते बीजेपी की पंजाब की राह आसान नहीं है, लिहाजा बीजेपी वायदों के जरिए किसानों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में है। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पंजाब की लड़ाई में नेताओं के दावे कुछ भी हों, लेकिन 20 फरवरी को जनता सारा हिसाब किताब चुपटा कर ही देगी। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।